हे गाइस, तो ये वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं नवी मुंबई इंटरनेशनल का एक छोटा सा वीडियो। तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में जो आपको ग्रीन पैच दिख रहा है, वहाँ पर बनने वाला है नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो पहले ही बता दूं कि इस वीडियो में आपको ज़्यादा कुछ दिखेगा नहीं, तो ज़्यादा कुछ होप्स रखना नहीं। तो यहाँ से अगर हम लोग स्ट्रेट स्ट्रेट जाए तो हम लोग पहुँच जाएंगे कलंबोली फ्लाईओवर के सर्कल के वहाँ पर, जहाँ से हम लोग लोनावाला के लिए अंदर का रूट लेते हैं, वो वाला हाईवे नंबर 48 पकड़ने के लिए। और ये वाला जो हाईवे है वो है हाईवे नंबर 548 और कनेक्ट हो जाता है 348 से। तो अब यहाँ पर अपना बाइक रोकते हैं। तो सबसे पहले मैं मैप्स में दिखा देता हूँ कि मैं कहाँ पर खड़ा हूँ और हम लोग क्या देखने वाले हैं। उतना कुछ है नहीं, पहले बोल रहा हूँ। तो ये रहा नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आगे जो ब्रिज है वो वाला, और ये जो 548 है वहीं पर मैं खड़ा हूँ। और वहाँ से हम लोग देखेंगे बस एक छोटा सा, क्योंकि उतना कुछ दिखा नहीं मुझे ये वाले स्पॉट से, और पूरा का पूरा खाली से एक फ्लैट सा सरफेस है, तो उतना क्या दिखाना। तो अभी बाइक से उतरते हैं, आगे जो ब्रिज है वो वाला है, तो एंड में दिखाएंगे वाला ब्रिज भी। और ये रहा एयरपोर्ट वाला एरिया, और ये पूरा का पूरा फ्लैट बनाने वाला है। तो मेरे ख्याल से ये स्पॉट हो जाएगा जहाँ से हम लोग एयरपोर्ट को देख सकते हैं फ्यूचर में बहुत ही अच्छे से। और ये रहा हाईवे नंबर 548। तो यहाँ से स्ट्रेट गया था मैं, हाईवे नंबर 348 का एक छोटा सा वीडियो बनाया है, तो वो आ जाएगा बाद में। मौसम ने करवट बदल लिया, जब घर से निकला तो अच्छा खासा धूप था, यहाँ पर आते आते पूरा क्लाउडी हो गया, तो वीडियो उतना अच्छे से आया है नहीं। ये जो रिवर है वो है कलुंड्रे रिवर, और इसके ठीक बाजू में है ये एयरपोर्ट। तो गूगल ने ये वाला लोकेशन ही देखा, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। वैसे दूसरे साइड उलवे साइड से भी एक एंट्री है, तो वहाँ से कभी फ्यूचर में बनाऊँगा, पर क्योंकि फ्लैट सरफेस है तो उतना क्या दिखाना, तो मैं बस चले गए यहाँ से। तो बस ये था एक छोटा सा वीडियो नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का। फ्लैट सरफेस ही है यहाँ पर, तो उतना कुछ दिखाने के लिए था नहीं। फिर मैं आ गया घर की तरफ, आज का सनसेट बहुत ही अच्छा था। तो वीडियो शायद से पसंद नहीं आया होगा, ठीक है, बैड डे, चलो बाय।